इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो हम जाए तो जाए कहाँ? मैं उनमें से हूँ जिसको जो कि समझती है कि नहीं, वो हार्ट अटैक से ही उनकी डेथ हुई थी। They rejected my screen test. You can't stop the dogs from barking. Bollywood Bubble, my name is Rohan and मेरे साथ में है, क्या बोलना चाहिए, मकड़ी, अंताक्षरी एंड चॉकलेट। बट मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, इनकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म आती है जिसका नाम है द ताशकंत फाइल्स, जिसके अंदर है एक जर्नलिस्ट के रोल में श्वेता बासु प्रसाद, अंताक्षरी के सम्मान से जिनको हम देखते आ रहे हैं पल्लवी जोशी जी, एंड ऑफ कोर्स द कैप्टन ऑफ द शिप राइटर डायरेक्टर विवेक मेहत्री साहब। सो आप तीनों का सबसे पहले तो वेलकम। थैंक यू। और यार आप लोग बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग काम किए हैं अपनी लाइफ में। ये फिल्म तो कुछ बहुत ही अलग है सर, आपसे शुरू करते हैं। द ताशकंत फाइल्स अलग सा सब्जेक्ट है, कहां से क्यों ये आइडिया आया बताइए प्लीज। बस ऐसे ही मैं एक दिन सो रहा था, गॉड केम एंड ही सेड चलो तुम्हारे को एक फिल्म बनवाते हैं। तो पर ये एक्चुअली मुझे बहुत दिन से बॉदर भी कर रही थी ये बात कि हमारे यहाँ जनरली इतने स्कैम्स होते हैं, इतने स्कैंडल्स होते हैं, पर ट्रूथ का भी पता नहीं चलता है। इतनी कॉन्ट्रोवर्सी है, इतने सवाल उठते आ रहे हैं इतने सालों से कि भाई सब कहते हैं उन्हें जहर दे दिया था, कोई कहता नहीं एक कॉन्स्पिरेसी थी, और हमको आज तक नहीं पता कि असली सच क्या था। तो मैंने कहा कि चलो कुछ दिन के लिए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बन जाते हैं एंड लेट्स डू दैट फिल्म। तो मैं तो नहीं एक्ट कर सकता था, इसलिए उस रोल के लिए श्वेता थे। सो श्वेता इज प्लेइंग यू। या क्या बात है, डिड ही दैट्स हाउ ही लाइक सोल्ड द आईडिया टू यू? नो, यू आर गोना प्ले मी इन दिस फिल्म, फॉलो? नो नो नो, नॉट एट ऑल। मुझे सबसे पहले फोन इनके ऑफिस से आया था, देन आई केम टू मीट पल्लवी मैम एंड सर। और उन दिनों मैं एक टीवी शो कर रही थी चंद्र नंदिनी करके, एंड कोइंसिडेंटली उसी हफ्ते वो शो रैप हो रहा था। सो आई टेस्टेड फॉर द रोल, आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड क्योंकि मैं खुद BMM ग्रेजुएट हूँ, एक जर्नलिस्ट हूँ बाई क्वालिफिकेशन। तो मैं इंटरेस्टेड थी, बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है क्योंकि हमने बायोग्राफीज देखे हैं लेकिन इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर एंड ऑन अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पहली बार मैंने सुना था। सो दे रिजेक्टेड माय स्क्रीन टेस्ट बिकॉज जो मुझे इनकी तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस मिले थे दैट डिडंट मैच द इंस्ट्रक्शंस दैट आई गॉट while I was auditioning. So फिर मैंने मैम को और सर को बोला दैट प्लीज रीटेस्ट, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग दिस, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इट। ओके, एंड मैम आपका भी सर ने कुछ ऑडिशन लेने की खाता की ऐसा? मुझे डाउट है लेकिन फिर भी पूछा, मेरा फर्ज है सर आपसे पूछूं सर। हाँ? ये तो मेरी पिछले 20 साल से ऑडिशन ले ही रहे हैं, अब फिल्म के लिए क्या नई ऑडिशन लेते हैं? सर कुछ कहना चाहेंगे आप? यहाँ होम मिनिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म को देखिए, घर में मेरा ऑडिशन चलता है और जब फिल्म बनाते हैं तो इनका ऑडिशन बन जाता है। एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस कॉल्ड मैरिज। मैम व्हाट इज योर रोल इन द फिल्म, ये बताइए। वेल आई प्ले अ हिस्टोरियन एंड ऑथर, और एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है टू इन्वेस्टिगेट के क्या हुआ था शास्त्री जी के साथ। सो देर आर सम पीपल इन द कमिटी ऑब्वियसली हु थिंक दैट इट वाज अ सिंपल प्लेन हार्ट अटैक, एंड देर आर सम पीपल हु थिंक कि नहीं दाल में कुछ काला है। तो मैं उनमें से हूँ जिसको जो कि समझती है कि नहीं, वो हार्ट अटैक से ही उनकी डेथ हुई थी। आपने यू नो यू आल्सो आस्क द पब्लिक कि भाई कुछ आपके पास में मटेरियल हो, कुछ याद हो, कुछ चीज हो तो बताना। सो ये बताइए व्हाट वाज द काइंड ऑफ रिसर्च दैट वेंट, कितनी हेल्प पब्लिक से मिली, कितनी हेल्प किताबों से मिली? देखो जब ये हमने फिल्म शुरू की थी, एक्चुअली मैंने ट्वीट किया था कि भाई आज शास्त्री जी का भी बर्थडे, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। तो कई लोगों ने कहा कि आप इस सब्जेक्ट पे कोई फिल्म क्यों नहीं बनाते। तो मैंने अपने एक असिस्टेंट से बोला कि भाई तुम थोड़ा रिसर्च करके देखो क्या है मटेरियल, एंड वी रियलाइज कि बहुत ज्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है। तो मैंने कहा इस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाना है तो ऑथेंटिकेटेड रिसर्च होना चाहिए जिसका सोर्स ऑथेंटिकेटेड हो। तो हम एक आध साल के लिए हम लोग विसल ब्लोअर बन गए और हम लोगों ने RTIs फाइल करना शुरू किया, बहुत सारी RTIs फाइल। बट वी रियलाइज एक पॉइंट पे जाके कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री, PMO प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पार्लियामेंट, आर्काइव्स, सबने ये बोला कि हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। एंड पल्लवी वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस, इनने भी किए कुछ। तो मैंने कहा कि इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो हम जाए तो जाए कहाँ? तब मैंने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आई मेड अ वीडियो एंड आई पुट इट, मैंने कहा कि किसी के पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो शास्त्री जी से रिलेटेड तो प्लीज सेंड इट टू अस। और धीरे 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 लोग दे स्टार्टेड लीडिंग मी एंड अल्टीमेटली दे लेड अस टू अ डायरेक्शन
जहाँ जाके आई रियलाइज की यस इस पर फिल्म बनाना बहुत आवश्यक है। इस फिल्म में काफी इंटरेस्टिंग कास्ट है, आप लोगों से पूछूंगा स्पेसिफिकली एक्टर्स, नसीर साहब हैं, मिथुन साहब हैं, यू नो पंकज त्रिपाठी जी हैं, सबके सब दिग्गज हो, मतलब कोई एक एक्टर में पॉइंट आउट करके बोल सकता है ये थोड़े से वीक होंगे, मतलब यहाँ पे तो ऐसा है कि कौन कितनी अच्छी एक्टिंग कर जाएगा कि फ्रेम में मिस ना हो जाए फॉर नॉट गिज, तो आप लोग बताइए हाउ वाज इट। You go first. As characters, I think हमारा जो कमिटी का जो पूरा ये था वो माहौल we shared such a great camaraderie that we used to look forward कि हम कब सेट पर आए, क्योंकि usually actors होता है कि कब ब्रेक हो और सेट से कल्टी मारे, लेकिन all of us used to look excuses कि हम सेट पर कब आए। सेट पे हमने बहुत मस्ती की, enjoy किया, पंकज त्रिपाठी was a revolution, yeah. वो जो कर रहे थे सेट पे, मतलब वी ऑल वांटेड टू गेट आउट ऑफ आवर कैरेक्टर्स एंड स्टार्ट लाफिंग यू नो, बट वी कुडंट डू दैट, सो ही वाज लाइक द मोस्ट यू नो जो कॉमिक रिलीफ हमारे सारे इसमें था, स्ट्रेट फेस, लेकिन हम लोग इतने इन्वॉल्व्ड हो गए थे इस सारी प्रोसेस में कि हम लोग मतलब सेट से हमको बाहर निकाला जाता था कि अब जाइए प्लीज हमको लाइटिंग करनी है, वरना वही गप्पे मार रहे थे, सब लोग एक दूसरे को क्यूज दे रहे हैं, कोई कटर बोर्ड की तरफ देख के अपने क्लोजअप्स नहीं दे रहा था। विवेक साहब एज अ डायरेक्टर एंड विवेक पल्लवी के होने से एक जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि she always takes me towards quality. Okay. Right? पल्लवी कभी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करती है, उसका एक सेट स्टैंडर्ड है, उसके नीचे भगवान भी आया तो नहीं जाना है उसको। दूसरा पल्लवी के होने से एक जो पूरे सेट पे वार्मथ, एक जो फेमिनिन टच होता है, एक जो उसने जिस तरह से शी मैनेज्ड एवरीबॉडी वाज आई थिंक अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, तो मुझे कोई टेंशन नहीं हुआ, मैं अपना चैन से डायरेक्ट करता रहा, मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ा था। एंड हर स्माइल क्या व्हिच विल सी मिसिंग ऑन स्क्रीन बट ऑफ स्क्रीन शी इज ऑलवेज स्माइलिंग। मैम एक आपसे मैं सवाल जानना चाहता हूं, दिस इज अ थिंग, सो लास्ट ईयर देयर वाज दिस होल मी टू कैंपेन दैट हैपेंड and there was a very serious allegation against him, you know, while the making of Chocolate Tanushree had, you know, kind of alleged of whatever inappropriate behavior. As a wife and as someone who has worked with him in a professional capacity and you know him in a personal capacity now, what was your first reaction? What is it that went through your mind when this happened? See, if I hadn't known Vivek, if he wasn't my husband, if I hadn't worked with him, even then my reaction would have been the same jo mera reaction tha us waqt pe. That it's it was a baseless thing to say because I was present on the sets that day, the day that she said that this incident happened, and Vivek was not there on the sets. We were standing outside talking. So ye jab sab hua tha tab wo the hi nahi wahan pe. So it was very obvious ki ye, you know, to revive your career, you know, ye sab kiya ja raha hai. So I think the best thing to do that time was just to keep quiet. And क्योंकि then आप बात करने लगते हैं, you start feeding the controversy. Right. So as long as you know the truth, as long as the children know the truth, and as long as the family is secure, आप सिर्फ अपना दरवाजा बंद कर सकते हैं ना. You can't stop the dogs from barking. The only thing you can do is you don't let them in. That's all. क्या बात है, thank you so much. If you love, respect, or you want to honor Lal Bahadur Shastri, 12th April, watch the Tashkent Files. Thank you so much. Thank you.